फिर कहेंगे बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे एक ना एक दिन कार बेचकर अपना कर्ज चुकाएंगे। हाँ, बच्चों को यदि आपने संस्कार दिला दिया तो कर्जा बच्चा जिंदगी में कभी नहीं करेगा, बल्कि दूसरे को देने का हक रखेगा। कार और संस्कार दोनों आनंद का है। कार और संस्कार हम बच्चों को देना क्या चाहते हैं? आज के जमाने के बच्चों को आप सब जितने भी भक्त लोग श्रोता बंधु आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, या इस 200 एकड़ के प्रांगण में विराजमान होकर दूर दूर जहाँ जहाँ आपको मन पड़ता है वहाँ पर यदि आप कथा सुन रहे हैं तो एक विचार कर देखना कि हमने बच्चों को गाड़ी दी, हमने बच्चों को घर दिया, हमने बच्चों को सोने की चेन दी, हमने बच्चों को हैंडसेट दिया, हमने बच्चों को मोबाइल दिया, हमने बच्चों को लैपटॉप दिया, हमने बच्चों को साइकिल दी, हमने बच्चों को सब कुछ दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चे को कुछ नहीं देता। हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, लैपटॉप भी दिया है और आप भी दे रहे हो और दुनिया दे रही है। साइकिल भी दी है, गाड़ी भी दी है, मोबाइल भी दिया है, लैपटॉप भी दिया है, चेन भी दी है, जूते चप्पल कपड़े जेवर सब कुछ बच्चों को दिया। पर सबसे मूल होता है आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, पर एक विचार कर देखना क्या आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दे पाए हो, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार आपने दिया है। श्रेष्ठ संस्कार क्या आपने अपने बच्चों को प्रदान किया है? सब कुछ दिया आपने, मना नहीं है, सब कुछ दिया और दोगे, पर क्या अपने बच्चों को हम संस्कारों के जल से सिंचित कर रहे हैं? क्या हम अपने घर के बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं? शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी को, षडानंद कार्तिकेय जी को और अशोक सुंदरी को जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव इन सभी को एक संस्कारों के जल से सिंचित करा। इसलिए आज भी शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती है। जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र का जो पीछे वाला जो भाग होता है, जरा ध्यान से सुनना, कथा निकली है तो आपके जीवन को संवारने के लिए निकली है। अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का बेलपत्री का जो ये पीछे का जो भाग होता है, ये पीछे की जो डूट होती है, पीछे का जो भाग होता है, जब भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, मदिरा की ओर जा रहे हैं, व्यसन की ओर जा रहे हैं, मांसाहार की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, तब बेलपत्र का जो पीछे का जो भाग होता है, इस भाग को हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते जाते हैं और उसी भाग को उठाकर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पुनः डाल देते हैं। शिवजी पे चढ़ाया गया जल, शंकर जी पे चढ़ाई गई एक बेलपत्र उठाकर लाकर जो व्यसन में डूबा हुआ होता है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, उसका मार्ग विभाजित हो गया है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं और उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि देखो शिव तत्व की ओर चलो, भगवान के गुणगान की ओर चलो।
शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटू दया करी रे दर्शन। हम शिव तत्व की ओर चलने का प्रयास करते हैं, भगवत भक्ति की ओर चलने